ललितपुर पुलिस ने पकड़ा अवैध गांजा। तालवेट पुलिस द्वारा एक क्विंटल 6 किलो अवैध गांजा कीमत लगभग 10 लाख रुपए सहित दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ललितपुर SP निखिल पाठक के नेतृत्व में लगातार माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है, धरपकड़ जारी है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तालवेट पुलिस द्वारा एक शानदार कार्य किया गया है जिसमें 1 क्विंटल 6 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। ललितपुर झांसी हाईवे पर एक गांव स्थित है जहां पर रात्रि के 9 बजे एक मैजिक लोडर वाहन MP16L2011 फूल गोभी जिसमें भरी हुई थी उसमें से गांजा बरामद किया गया है तालवेट पुलिस द्वारा। कल 30 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है एक लोडर में मैजिक में सब्जियों की आड़ में गांजे की जो है सप्लाई कर रहे थे। सूचना के आधार पर तालभेट पुलिस द्वारा जो है इस पर कार्रवाई की गई है। कुल 2 लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें करीब 1 क्विंटल 600 ग्राम गांजा जो है अवैध रूप का वो बरामद हुआ है जिसकी अनुमानित जो बाजार की कीमत है वो करीब 10 लाख रुपए की है। ऐसी अनुमानित कीमत है इसकी। केस में रिकवरी हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ का क्रम जारी है। इसमें जो है इनके गैंग के और भी जो सदस्य हैं उनके बारे में हम लोग पता करके उन पर कार्रवाई करेंगे। सर कहाँ से आ रहा है गांजा, कहाँ से आ रहा है? अभी तक जो प्राप्त सूचना है वो ये है कि ये अंतर्राज्यीय गैंग के रूप में काम कर रहा था। ये निवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का वहाँ से लेकर के आ रहे थे बेचने के लिए। बाकी ये कहाँ से आ रहा था, इसका उद्गम कहाँ पर है, विवेचना के क्रम में जो है वो प्रकाश में बात आएगी। ये ललितपुर में ही इसको गला रहे थे, सप्लाई ललितपुर में ही कर रहे थे गांजा। अभी ये यहाँ से लेकर के अपना जो है गांजा लेकर के जा रहे थे, सप्लाई कई जगह करते हैं। बाकी ये इस वक्त इस माल को कहाँ लेकर के जा रहे थे विवेचना के क्रम में बात आएगी कि इनके कौन खरीदार थे, किन से इन्होंने खुद खरीदा था, कहाँ पर ये लोगों ने सप्लाई किया था, कहाँ से लेकर के आ रहे थे। इसमें हाँ इसमें एक अभियुक्त जो है वांछित भी है जिसकी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अभी इनके गैंग का पता लगाया जा रहा है। अभी एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, इसके अलावा बाकी कौन इनके खरीदते थे, किन से खरीदते थे, किन को विक्रय करते थे, जिस क्रम में विवेचना के क्रम में नाम प्रकाश में आएंगे उसी हिसाब से वांछित की सूचना इसमें बढ़ती है। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा मिलना कहाँ से लाए ये लोग, ये बहुत बड़ा सवाल है जी। पैदा कर रहे हैं, यहाँ खेती हो रही है, कहीं और से आयात कर रहे हैं, इस पे क्या पुलिस पहुंची? बिल्कुल, इस पूरी गांजे की जो हम लोगों ने रिकवरी की है इसकी तह तक हम लोग जाएंगे कि इतनी भारी मात्रा में गांजा कहाँ पर पैदा किया गया, कैसे इसको ये लोग लेकर आए, किस किस जगह से लेकर के आए, इस पूरी बात की जो है गहराई से छानबीन विवेचना के क्रम में की जाएगी।